चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चन आरडी शर्मा की बुक से ली गई है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस इन क्वेश्चन का और खुद से ट्राई करो। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो आप लोग सोल्यूशन देखो, काफी हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, If D, G and R denote respectively the number of degrees, grade and radians in an angle, then अब देखो ये directly जो question है ना वो relation से पूछा गया है आपका, degree, grade and radians जो भी है। ठीक है, अगर आपको direct relation याद है तो आप लोग tick out करके आ सकते हो और कुछ भी ज्यादा बोला नहीं गया है इस question में। ठीक है, तो आइए white board में मैं आप लोग को इसके आगे का भी कुछ बता देता हूँ ताकि अगर question directly रिलेशन से ना पूछ करके किसी और कॉन्सेप्ट से पूछा जाए तो आप कैसे डील करके आओगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो डिग्री है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया गया है, ग्रेड्स जो है उसको जी से, और रेडियंस जो है उसको कैपिटल आर से। तो रिलेशन क्या है इसका, रिलेशन है डी अपॉन 90 equals to g upon 100 equals to 2r upon pi। ये आपका रिलेशन है और ये आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बार पूछा जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन। अब अगर आप पूछोगे सर सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है, तो ये दोनों के बीच में सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे, अगर मान लो मुझे डिग्री फाइंड आउट करना है, लेट्स से उसको x मान लिया मैंने, तो x upon 90 equals to 2r upon pi कर दिया। अगर मुझे ये रेडियन r equals to क्या मिल जाएगा हमें, r equals to तो ये pi, ये देखो ये x तो यहीं रहेगा, into ये pi ऊपर जाएगा, ठीक, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 180 होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ये आप रेडियंस में कन्वर्ट कर पा रहे। ठीक है, बट बच्चों को मैं बोलता हूँ कि सिंपली आप लोग क्या फॉर्मूला लर्न करके रखोगे, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। सिंपली आप लोग जैसे मान लो किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जैसे मान लो x डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसी x को लेना है इनटू पाई बाय 180 कर देना। ठीक है, तो ये किसमें, रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको ध्यान इन बातों का रखना है, यह जो पाई है ना, पाई की जो वैल्यू है वो नियर अबाउट 22/7 है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं है, ये एडजस्ट करके रखना दिमाग में। ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ये दो चीजें हैं आपको एडजस्ट करके रखना है दिमाग में, और हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखना आप लोग, और ये रिलेशन तो लर्न करके ही रखना है, और इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, अभी बहुत सारा वीडियो आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, तो आपको मिलता जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं पहले उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 8:30 इज, तो एंगल बिटवीन बोल रहा है मिनट का और लाइक जो आपका आवर हैंड होता है, ठीक है, उसके बीच का जो एंगल है ना वो आपको फाइंड आउट करना है जब 8:30 होगा क्लॉक में। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं 8:30 का, ये देखिए ये आपका 8:30 का डायग्राम। ठीक है, अब आपको जो एंगल पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो मैं पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया, आपको ये वाला जो है ना ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, कलर रेड कर लेता हूँ। अब कैसे करोगे यहाँ पे, तो कुछ बातें आपको दिमाग में एडजस्ट करके रखनी है। कैसे, अब मुझे ये बताओ कि अगर ये जैसे आपका 12 है ना, ठीक है, अगर आपका वो आवर हैंड को ले लो, अगर आवर हैंड यहां से चलता है 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 और फिर यहीं पे आ जाता है 360 डिग्री, तो कितने आवर लेते हैं, कितने आवर लेता है 360 डिग्री करने में, उसको कितना आवर लगेगा, उनको लगेगा 12 आवर। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि 1 आवर में
वन आवर में क्या होगा, तो तुम सिंपली बोल दोगे सर 360 अपॉन 12 कर दो। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो यहाँ पे मेरा आवर जो हैंड है ना, ये आवर का होता है, ये मिनट का होता है, ठीक है। तो आवर वाला को मैं बोल रहा हूँ कि 12 से स्टार्ट करा है, फिर वापस 12 में जाने, अगर एक पूरा राउंड मारता है तो 360 डिग्री, तो कितना टाइम लगता है, 12 आवर लगता है। तो मैं बोलूंगा कि भैया वन आवर में वो कितना घूम लेगा, तो 360 अपॉन 12, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि 8 आवर 30 मिनट, 8 आवर 30 मिनट, तो 8 आवर 30 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, 8 आवर 30 मिनट को 8 1/2 बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 to 16 17 17 upon 2 hour, ठीक है। तो भैया 17 upon 2 hour में कितना घूमेगा, तो सिंपली 17 upon 2 कर दीजिए सर into 360 upon 12 कर दीजिए, ठीक। तो इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करते हैं, 30 ये हो गया 15, मतलब 17 into 15 अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 255 डिग्री, ठीक है ना। ये तो आ गया भैया आवर हैंड का, अब मुझे मिनट हैंड का भी नहीं आता। तो मिनट हैंड का मतलब ये वाला हैंड, ये वाला हैंड इस 12 में से फिर से 12 में जाता है तो कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो ये जो इस बार ये तो आवर हैंड लिख देता हूँ भैया को, और ठीक है इस बार हमें निकाल दे मिनट है, मिनट है। तो मिनट हैंड का अगर मैं 12 से स्टार्ट करूं, फिर से वो 12 में वापस जाता है तो कितना टाइम लगता है, तो 360 डिग्री, एक पूरा राउंड मारेगा 360 डिग्री, तो मिनट हैंड हमारा 360 डिग्री घूमने में 60 मिनट लेता है, ठीक है 60 मिनट लेता है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि एक मिनट में क्या करेगा ये सर, 360 अपॉन 60, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये कितना हुआ, 12 में वो 6 गया है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ हमारा, 30 मिनट्स हो रहा है ना, 12 में से अगर 6 में जा रहा तो आधा घंटा, तो 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स को हम लोग क्या करेंगे, 30 into 360 upon 60, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 into 2 16 0, तो ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से यहां 180 डिग्री का एंगल बना रहा है मिनट हैंड, और फिर यहां से यहां तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 255 डिग्री। मुझे ये एंगल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, रिक्वायर्ड एंगल, क्या बोलोगे, रिक्वायर्ड एंगल चाहिए हमें, तो रिक्वायर्ड एंगल में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे, है ना। रिक्वायर्ड एंगल्स में क्या करेंगे, 255 माइनस 180 डिग्री, है ना, माइनस कर दोगे जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, माइनस कर दोगे, चलो माइनस में कर ही देता हूँ, ये हो गया आपका 5 और इधर हो गया 15 में से आपका 8 गया तो आपका बच गया 7, तो 75 डिग्री। चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, यस 75 डिग्री, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यही पे है आपका, एट 340 द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट, देखो सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे जो ऑप्शन था वो डिग्री में दे रहा था, डिग्री में दे रहा था। अब तुम बोलो सर सारा ऑप्शन आपने टिक कर दिया, ये बता रहे हैं कि ये डिग्री में, ठीक है। और थर्ड वाले पे क्या है, आपको रेडियन में दे रखा है, देखो पावर में सी है, इसका मतलब क्या है, रेडियन में दे रखा है, तो रेडियन में दे रखा है तो उसका मतलब क्या है कि लास्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले डिग्री में निकाल लो उसी मेथड से जिस मेथड से मैंने बताया, ठीक है। एक बार तुम लोग ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर से सॉल्यूशन देखो, मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग
वॉच देख लेते हैं, 340 देखो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब वैसे एक बार मिनट हैंड के लिए, एक बार आवर हैंड के लिए, एक बार मिनट हैंड के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए आवर हैंड, ठीक है। तो आवर हैंड में फिर से मैं वही बोलूंगा आपको, जैसे 12 है, ठीक है, फिर से एक राउंड मारेगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री करने में उसको कितना टाइम लगता है भैया, 12 आवर। तो 1 आवर में कितना टाइम लगेगा, फिर से वही सिंपली, तो क्या बोलोगे आप सर, 360 डिग्री अपॉन 12 कर दो। तो इस बार जो है 340 हो रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 आवर 40 मिनट्स। तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे सर 30 प्लस 40 अपॉन 60, ये 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 या 4 2 3 या 6, तो ये हो गया आपका 30 प्लस 2 अपॉन 3, है ना। एलसीएम ले लो 3, तो 3 3 9 0 प्लस 2, तो ये आपका हो गया कितना, अच्छा एक सेकेंड, ये 30 क्यों लिखा मैंने, ये 3 होगा, जस्ट वेट, ये 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, ठीक है, और ये आ गया 11 अपॉन 3, ठीक, 11 अपॉन 3 आवर हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको बताना है कि 11 बाय 3 आवर्स में क्या होगा, 11 बाय 3 आवर्स में क्या होगा। तो भैया 11 बाय 3 इंटू आपको 360 अपॉन 12 कर देना, तो ये हो गया 10, ठीक है, तो ये आपका आ गया 110 डिग्री, क्लियर है। तो मतलब यहाँ से जो है आपका, यहाँ से ये 110 डिग्री, ठीक। चलिए अब हम लोग करते हैं मिनट हैंड, तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा आपको, मिनट हैंड जो है 360 डिग्री करने में कितना टाइम लेता है, 60 मिनट, ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पे आपको ये कितना गया है, 40 मिनट्स गया है, 12 से देखो 8 जाने में उसको 40 मिनट्स लगेगा, तो 40 मिनट्स के लिए क्या होगा, 40 मिनट्स के लिए हो जाएगा 40 इंटू 360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर उसके बाद 2 6 3 3 6, तो ये आपका हो गया 240 हो जाएगा, 240 डिग्री, ठीक। अब रिक्वायर्ड एंगल, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल आ रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या आ रहा है, 240 डिग्री, ठीक है। अब हमको एंगल कौन सा निकालना था, हमको ये वाला एंगल निकालना था, ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना था, थीटा, ठीक है भैया। तो 240 डिग्री में से हम लोग 110 डिग्री माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये, 130 डिग्री, बट ऑप्शन तो इसमें नहीं दे रखा है, तो अभी मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसलिए मैंने वो बताया था कि कन्वर्ट कैसे करना, ठीक है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 130 × 5/180 कर दो, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 3 13 5 अपॉन 18, पार में सी लगा दो, जो रिप्रेजेंट करता है, ये रेडियन में निकल चुका है, जहां भी ऑप्शन है वहां पे आप टिक कर दो, यू विल गेट द ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हमको सही लग रहा है, ऑप्शन सी, 3 π/18, ठीक है, 3 π बोलो, 13 π, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है, ये एंगल, ठीक है। अब कभी भी आपको मैंने एपी में बताया था, अगर 3 चीज कंसिडर कर रहे हो तो किस तरीके से एपी में लेते हैं हम लोग, एक पहला लेते हैं a-d, दूसरा लेते हैं a, और तीसरा लेते हैं a+d, क्यों लेते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो d ही आएगा, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि जब इस तीनों एंगल को हम ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस, चलो ब्रैकेट में रख लो, ठीक है, इसको a प्लस डी,
ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जब तुम इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो यहां से डी डी कैंसिल आउट हो गया, तो 3a इक्वल्स हो गया 180 डिग्री, तो a इक्वल्स हो गया इंच कटरा 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट करूं किसमें, वैसे ही अभी बोला था आपको कि 60 है ना, 60 इंटू पाई बाय 180 कर दीजिए। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, था तो गया पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3 जो होगा दैट इज योर आंसर। क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इन रेडियन इज, रेडियन में बोला था, रेडियन में आ चुका है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियन में आ चुका है, आपको वन ऑफ द एंगल पूछ रहा था, तो ए तो उसका एक एंगल ही तो है, ए ये तीनों में से कोई भी एंगल, तो ए उसका वन एंगल है, वन एंगल सही, आपको कुछ दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल, मतलब आर्क जो है वो सेम लेंथ का है, ठीक है, सबटेंडेड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, देन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल इज। अच्छा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, चलिए करते हैं उसको। दो सर्कल पहले बना लो, ड्रॉ करो, फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल, ठीक है, पहला कितना 65 डिग्री है ना, ठीक है, ये हो गया आपका 65 डिग्री, ठीक है, रेडियस हम आर बोल देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे, आर्क जो है वो सेम लेंथ का होना चाहिए पहले। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा सर्कल है वो 110 डिग्री का बना है, ठीक है, तो ये ले लिया 110 डिग्री, रेडियस ले लिया आर टू, आर जो है वो सेम लेंथ का, ठीक है। अब क्या है कि इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, रेडियन में, क्यों रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारे पास, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये तभी वैलिड है ना जब ये एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए, ठीक है, तो 65 डिग्री है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 65 डिग्री अभी आपको बताया है कन्वर्ट करके हो पाई अपॉन 180, ठीक है, और यहाँ पे 110 डिग्री है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 110 इंटू क्या कर लेंगे पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक। चलिए फॉर्मूला हम कर दो, पुट कर दो, एंगल हमारा क्या है इसके लिए 65 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री एंगल कर दिया, इक्वल्स टू आर्क हमारा सेम है एल, और रेडियस हमारा आर वन हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन दे दिया। इक्वेशन नंबर टू में फिर से एंगल हमारा क्या है 110 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है, 180 हो गया, इक्वल्स टू आर्क हमारा सेम होगा एल और रेडियस हमारा। अब देखो मुझे ना आर वन अपॉन आर टू चाहिए, तो आर वन अपॉन आर टू अगर चाहिए तो हम लोग यहाँ पे टू डिवाइडेड बाय वन करना पड़ेगा, टू डिवाइडेड बाय वन करना पड़ेगा, क्यों, देखिए अगर टू को मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे एल अपॉन आर टू अपॉन एल अपॉन आर वन, तभी तो ऊपर जाएगा ना आर वन, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, आर वन ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 110 डिग्री इंटू पाई बाय 180 अपॉन 65 इंटू पाई बाय 180, ठीक है, तो पाई बाय 180 पाई बाय 180 कट गया, एल एल कट गया, ठीक है, तो देयर फोर यहाँ पे आ जाएगा आपका आर वन अपॉन आर टू इक्वल्स टू 110 अपॉन 65 है, इसको तुम कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 22 अपॉन 30, ये तो मुझे चाहिए था, देयरफॉर आर वन इज टू आर टू इक्वल्स टू 22:30, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को काफी बेसिक तरीके से हर एक चीज बताया मैंने और आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी
आए तो आपको कमेंट करना, या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, तो मैं आप लोग को वो भी आकर के लाइव आकर के समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और भी क्वेश्चन के साथ। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।